रेप आरोपी दरोगा की वर्दी उतरी, एसपी ने जेल भिजवा दिया। लेकिन पुलिस वाले को लगता है कि आरोपी को बचाकर निर्दोष साबित करवा के ही मारेंगे। रेप पीड़िता बेटी के लिए इंसाफ मांगने महिला गई, दरोगा ने घर बुलाया। अब पीड़िता से रेप का मामला सामने आ गया है। इस बीच एबीपी गंगा की टीम पहुंची, पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की, पीड़िता कुछ बोल ना पाए। हालात ऐसे समझिए कि हमारे रिपोर्टर तक से अजीब लहजे में बात की गई, देखिए। कानपुर जिले की पुलिस सवालों के घेरे में है। रेप का आरोपी दरोगा जेल में है, लेकिन ऐसा लगता है पुलिस उसे अभी भी बचाने में लगी है। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली में तैनात दरोगा मुकेश वर्मा एक वीडियो में भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आ रहे हैं। कन्नौज जिले की पुलिस सवालों के घेरे में है। रेप का आरोपी दरोगा जेल में है, लेकिन ऐसा लगता है पुलिस उसे अभी भी बचाने में लगी हुई है। आपको पूरा मामला दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पीड़िता के चेहरे पर केस दर्ज कराने के बाद फैली दहशत देखिए। आप बात कर लो, आप घर गए थे दरोगा जी के? फिर क्या हुआ? हाँ, फिर क्या हुआ? FIR क्यों लिखाई थी आपने? दो मिनट मिला लो, डर रही हो। FIR क्यों लिखाई थी आपने? FIR क्यों? बोल नहीं रहा। चौकी में मौजूद पीड़िता से पहले तो हमें बात करने से महिला पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की और कहा पहले हम बात कर लें। फिर महिला पुलिसकर्मी ने किसी से बात करने के बाद पीड़िता को चौकी के अंदर भेज दिया और एबीपी गंगा की टीम पीड़िता से बात करने की कोशिश करती रही। किसी तरह से एबीपी गंगा की टीम पीड़िता से बात करने में सफल हुई तो सबसे पहले पीड़िता ने यही कहा कि पुलिस वाले नाराज हो जाएंगे। क्या मामला था पूरा? पूरा क्या मामला था? कौन? हाँ नहीं, कोई नहीं घुसाएगा, बोलो। एबीपी गंगा ने भरोसा दिलाया कोई पुलिस वाला नाराज नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब जाकर डरी हुई पीड़िता बोलने को तैयार हुई। हम नहीं होता सर, हमारी बिटिया का केस चलता था। आपकी बेटी थी? हाँ बेटी थी मैं। हाँ तो मतलब मम्मी इनसे पूछी, दरोगा साहब से, ये इंस्पेक्टर साहब से, मौलिया से, हमने पूछी, हाजी शरीफ चौकी में मिले थे। हमने कि सर हमारी बिटिया का केस चल रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई, 6-7 महीना हो गए सर, अभी कुछ करा ही नहीं तुमने। हम दौड़ दौड़ एस पी थी, यहाँ पुलिस भेज आए, अपने कुछ करा ही नहीं है सर। तो हम पर कान लेकिन यहाँ गुर्बत नहीं हुई, कमरे पर आना। तो हम सर कमरे पर, जब हमने कि कैसे कमरे पर पहुँच पाए नहीं सर, हमें मन में नहीं है कमरा। तो बन तुम बल्ला कि आ जाओ, अभी दोनों बंद थे, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। तब सुबह हुआ तो 11 बजे हम पहुँचे, कल 11 बजे नरेगा पर पहुँचे। हमने मरिया साहब को फ़ोन किया, तो हमने कि सर तुम कहाँ हो? कल लगे हम यहीं आए। फिर घर गए आप? घर गए थे? नहीं नहीं, घर गए थे दरोगा जी के? जी। आप घर गए थे दरोगा जी के? पीड़िता बता ही रही थी कि पीछे पुलिस वालों की आवाज सुनाई दी, आवाज गूंजी कि सर बुला रहे हैं। महिला के चेहरे पर दहशत छा गई, फिर उसकी बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हुई। आप घर गए थे दरोगा जी के? फिर क्या हुआ? सर बुला रही है। हाँ फिर क्या हुआ? FIR क्यों लिखाई थी आपने? दो मिनट मिला लो, डर रही हो। FIR क्यों लिखाई थी आपने? FIR क्यों? दो मिनट बोल नहीं रहा। सर बुला रही है। आप पीछे बोलती महिला पुलिसकर्मी की आवाज सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी पीड़िता के आसपास किसी ना किसी बहाने मंडरा रहे थे। नतीजतन दहशत में पीड़िता पूरी बात नहीं बता पाई। तो पहले यहाँ पर जो रेप पीड़िता महिला यहाँ बैठी हुई थी, उसका आरोप यह था कि कन्नौज के एक दरोगा हैं, उन्होंने उसके साथ गलत काम किया, घर बुलाकर उसने FIR दर्ज कराई थी। कप्तान साहब के कहने पर यहाँ FIR दर्ज हुई थी और आज वो दरोगा मेडिकल के लिए गया था और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उसको जेल भेज दिया गया। जब यहाँ पर मैं खबर बनाने पहुँचा हूँ कोतवाली के अंदर, तो उस वक्त ये महिला मौजूद थी यहाँ पर।
महिला का ये कहना है कि यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि इस मामले को सरेंडर कर लो, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं है। और जब मैंने उससे बात करने की कोशिश करी तो यहाँ पर जो मौजूद पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे यहाँ पर कवरेज करने से रोका। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ के प्रभारी हैं उनसे जब मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उनका जो कहने का लहजा था वो बहुत अलग था यहाँ पर। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो कोतवाली इंस्पेक्टर हैं पर्दा डालना चाह रहे हैं। दरअसल कन्नौज में पीड़िता की बेटी से रेप हुआ, कार्रवाई की गुहार लेकर जब वो दरोगा से मिली तो उसे घर बुलाया गया। आरोप है दरोगा ने रेप किया, पीड़िता एसपी से मिली तब जाकर केस दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई और पुलिस अधीक्षक ने आरोपी इंस्पेक्टर अनूप मौर्य को जेल भेज दिया। कन्नौज कोतवाली पर नियुक्त चौकी इंचार्ज के विरुद्ध वादिया ने तहरीर दी है कि उक्त चौकी इंचार्ज ने एक मुकदमे की जांच से संबंधित मामले में वादिया को अपने आवास पर बुलाकर दुष्कर्म की घटना कारित की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त आरोपी को जेल भेजा जा चुका है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुकदमा कोतवाली में दर्ज है। मामले में जहां कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अपराध के खिलाफ सख्त आए तो कन्नौज सदर कोतवाली पुलिस प्रभारी आलोक दुबे पूरे मामले को दबाते हुए नजर आए। पीड़िता ने डरे सहमे बताया कि उसके बयान होने हैं, बयान बदलने के लिए पुलिस दबाव बना रही है। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली में तैनात दरोगा मुकेश वर्मा एक वीडियो में भद्दी भद्दी गाली देते नजर आ रहे हैं। आरोप है दरोगा फरियादी को ही गाली दे रहे हैं। पावर का नशा ऐसा है सब कुछ भूलकर थाने में ही बैठकर दरोगा जी गाली दे रहे हैं। आरोपी दरोगा मिश्रिक में हल्का नंबर 5 में तैनात है। वीडियो वायरल होने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सीओ मिश्रिक को जांच सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।